सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टू टू टेक को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सके। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग अपडेट के बारे में, जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो चैनल पर देख सकते हो। इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ उस वीडियो में बताया है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो अपडेट आता है वो ये है, अगर आप विजिट करते हो ऑफिशियल वेबसाइट जो कि dse19.mahacity.org है, तो वहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ में देखते हो तो यहाँ पे न्यू करके लिखा है थर्ड पॉइंट, प्रोफोमा V4 कैंडिडेट क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स, और ये आ जाए 31/7/2019। तो ये है क्या, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट में पढ़ते तो ये लिखता है, द कैंडिडेट्स हैविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन शैल अप्रोच टू द फैसिलिटेशन सेंटर वेयर दे हैव कन्फर्म देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट एंड गेट द रिवाइज रिसिप्ट कम एक्नोलेजमेंट ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2019 up to 5 PM। तो इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन कैंडिडेट्स के पास EWC का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या करना है, फैसिलिटेशन सेंटर जाना है। उस फैसिलिटेशन सेंटर जहां पर आपने आपके पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म को कन्फर्म किया था, वहां पर आपको फिर से एक बार जाना है और आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे वहां पर जाके ये फिर से सबमिट करना है। ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास, ये वापस आपको वहाँ पर जाके सबमिट करना है और फिर से वो आपको जो है रिसिप्ट कम एक्नोलेजमेंट देंगे, जो कि रिवाइज रिसिप्ट कम एक्नोलेजमेंट होगा, और ये आपको करना है बिफोर 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त 5 बजे से पहले आपको ये सब काम करना है। वहाँ पर जाते समय आपको और एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पर आपको ये फॉर्म भी लेके जाना है, जो है प्रोफोमा वी फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग सीट रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इसे आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोफोमा वी के अंदर कि फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आपको आपका एक फ़ोटो चिटकाना है, और ये बस ये फॉर्म में बस यही बताया है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप, मैं जैसे इसमें ये लिखा है कि मैं योगेश शर्मा अपने पिता सुरेश चंद्र रामेश्वर शर्मा का बेटा हूँ, मैं इसी जगह से हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ, और मेरी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपये से कम है, और मुझे जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि 10% आरक्षण का लाभ चाहिए, ये पूरा इसमें यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, आपकी साइन करनी है, नाम देना है, ठिकान मतलब रहते कहाँ वो देना है, दिनांक देनी है, और ये जो है फॉर्म भी आपको जो है फैसिलिटेशन सेंटर में सबमिट करना है, जिसे प्रोफोमा वी कहा गया है। तो गाइस यहाँ पर जो है यही सबसे बड़ा फिलहाल आपको देखने मिल सकता है अपडेट, बाकी यहाँ पे कोई शेड्यूल भी नहीं आया है, ना ही यहाँ को कोई सीट मेट्रिक्स डिक्लेयर हुई है, और ना ही यहाँ पे कोई फाइनल मेरिट लिस्ट आई है। तो यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर न्यूज़ सेक्शन में देखते हो तो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने मिल जाता है, ये लिखता है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड कन्फर्म द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर शेड्यूल फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट शैल एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी एज पर द ऑर्डर इन WP नंबर 4965/2019 एट ऑनरेबल हाई कोर्ट of Bombay Nagpur bench, the candidate having eligibility certificate for economical weaker section shall approach to the facilitation center where they have confirmed the application form and submit the document and get the revised receipt cum acknowledgement on or before 1 August 2019 up to 5 PM। तो ये इसका मतलब इन्होंने डिटेल में बताया, क्योंकि इनको हाई कोर्ट ने जो है इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको ये करना है, और उस वजह से ये कर रहे हैं। सो गाइस यही है सबसे बड़ा अपडेट, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी बता दो, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल 1 अगस्त है, आज 31 तारीख है, तो टाइम कम है आपके पास, और ये आपको जल्द से जल्द ये काम करके लेना चाहिए। नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।